मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलि भद्रा दया, जैनो धर्मोस्तु मंगलम। ओके, तो हमने हमने ये जैन धर्म संस्करण क्लास में हम जैन धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे भगवान श्री महावीर स्वामी के बताए हुए पथ पर किस तरीके से चलना है हमें, वो हम देख रहे हैं। और इसमें हमने क्या स्टार्ट किया है कि सुबह से कैसे उठना है, और सुबह के बाद सारा दिन हमें दिनचर्या हम हमें किस प्रकार करनी है, क्या क्या करना है, किस तरीके से हम श्रावक हमें श्रावक जीवन जीना है, वो सब हम देखने वाले हैं हमारे इस क्लास में। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हमने एक चैलेंज हमने सबको दिया था, और खुद ने भी हमने भी एक्सेप्ट किया था हम सारे के सारे जने कि हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे में बैड क्वालिटीज हैं उन सभी को एक एक करके हम क्या करेंगे, हमारे नेचर से हम निकालेंगे। और उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हर सुबह हमें उठ के हमने हमें निश्चित करना है कि आज के दिन में चाहे कुछ भी हो, मैं किसी की भी निंदा ही नहीं करूंगा, बिल्कुल निंदा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे वो देश हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या फिर पड़ोसी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी निंदा बुराई नहीं करूंगा। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें ये सब ऐसे रोज हर एक दिन एक नया नए छोटे छोटे रेजोल्यूशंस बनाने हैं, और हमें इसके ऊपर फिर खरा उतरना है, बराबर ये ध्यान रखना है। और आज मैं फिर केवल और केवल सबकी अच्छाइयों पे ही फोकस करूंगा, सिर्फ सबकी प्रशंसा करूंगा, अनुमोदनाएं करूंगा, उनकी सुकृत जो भी अच्छे काम करेंगे उसकी अनुमोदना करूंगा, गुणगान करूंगा, बस यही। इस तरीके से हमें छोटे छोटे रेजोल्यूशन लेने हैं, हर एक नए नए रेजोल्यूशन। तो आशा है कि आप सभी भाग्यशालियों ने ये करना स्टार्ट कर दिया होगा लास्ट वीक से, कितने दिन हुए, 6 दिन, 7 दिन, जो भी है, तो ये सब आप सभी ने स्टार्ट कर दिया होगा। इसे प्रैक्टिकल में ये सब चीजें लाना है, सिर्फ सीखना नहीं है हमें, बराबर ये ध्यान रखना है। तो इससे हमारा नेचर सुधरेगा, और साथ में हमारे घर में भी सुख शांति का माहौल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक चमत्कारिक उपाय है, आप सभी को ये इसके ऊपर इसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। इससे क्या होगा, झगड़े कलेश सब दूर हो जाएंगे आपके जीवन से। सबको यही चाहिए ना कि जीवन सुखमय हो, घर में सुख शांति हो, झगड़े ना हो। तो यही करना है आपको, क्या करना है, खुद खुद के नेचर सुधारने हैं। बस सबके नेचर सुधर जाएंगे तो फिर झगड़े कुछ होंगे ही नहीं ना, बराबर दूसरों में बुराइयां दिखेंगे ही नहीं। तो ये सब हमें करना है, और इतना ही नहीं होगा पर साथ ही साथ हमारे आत्मा के गुणों की वृद्धि भी होगी। और जिस तरीके से फिर हमारी आत्मिक गुणों की वृद्धि हो जाएगी, और जब ये गुण पराकाष्ठा के लेवल तक पहुंचेंगे, तब जाके उस अवस्था को क्या कहा जाता है, मोक्ष की अवस्था, यानी कि हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। बस हमें यही सिंपल करना है, गुणों की वृद्धि करनी है, धीरे धीरे करके पराकाष्ठा तक पहुंचना है, बराबर। जैसे गुणों की वृद्धि होती जाएगी, उस साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारे बैड क्वालिटीज है यानी कि कर्म है, तो वो कर्मों का नाश होते जाएगा। बस ये सिंपल सा हमें करना है, उसके लिए इतना सिंपल सा प्रोसीजर हमें हर हर दिन करना है, बराबर। हमारे जीवन में 100% पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप सब खुद ये अनुभव करोगे, बराबर। ठीक है, फिर दूसरा हमने इसके बाद हमें क्या करना है कि सुबह में हमें क्या करना है, प्रभु के बताए हुए जो स्वर शास्त्र है, बराबर। तो स्वर शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना है, हमारा स्वर चेक करना है। तो हमारे ये डेली रूटीन है, सुबह से हमें क्या क्या करना है, तो हम कहाँ तक आए, 5th स्टेप तक आए हैं, ठीक है। तो हमारा स्वर है वो हमें चेक करना है। तो इसमें क्या है कि जो राइट साइड से ब्रीदिंग चालू हो, मतलब चल रही है राइट साइड से, तो उसको सूर्य स्वर या फिर सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड का नाक के छिद्र से ब्रीदिंग चालू हो अपनी, तो उसे क्या कहते हैं कि स्वर नाड़ी, वो चल रही है, या फिर स्वर नाड़ी का उदय है, सॉरी चंद्र स्वर का उदय है, ये कहेंगे, बराबर। जो लेफ्ट साइड का हो, और राइट साइड का हो तो सूर्य स्वर चल रहा है। और जब दोनों साइड के जो छिद्र है, दोनों साइड से जो ब्रीदिंग चल रही हो, तो क्या कहते हैं उसे, सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बराबर। और इस स्वर को किस तरीके से बदल सकते हैं, उसका उपाय भी शास्त्रकार भगवान ने जो बताया था वो भी हमने देखा था, बराबर। अब हम आगे ये देखने वाले, हाँ हमने ये भी देखा था कि जब भी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जब हम सुबह चेक करेंगे, और जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो यानी कि दोनों छिद्रों में से जो ब्रीदिंग चल रही हो, तो उस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए,
ये ध्यान रखना है। उस समय सिर्फ क्या करना है, सिर्फ भगवान का जाप या ध्यान करना है, नौकार मंत्र का स्मरण करना है, बस यही करना है। उस समय कोई भी कार्य नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये स्वर, वो सिर्फ मैक्सिमम हाफ एन आवर तक ही चलता है, उसके बाद ये फिर चेंज हो जाता है, बदल जाता है स्वर, ये ध्यान रखना है बराबर। अभी हम आगे ये देखेंगे कि जब चंद्र स्वर चल रहा है, तब उस समय में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। और उस जब चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, वहां से जब श्वास हमारा श्वासोश्वास चल रहा है, तो उस समय कौन से कार्य करने चाहिए, और उस कार्य वो सब सारे कार्य करने से हमें लाभ मिल सकता है बराबर, और वो सब कार्यों में सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है, तो वो कौन से कार्य हैं, तो वो हम समझ लेंगे बराबर। और ये सब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। तो जब भी चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, तब हमें जिन पूजा करनी चाहिए बराबर। तो जिन पूजा, और समझो कि जो चंद्र स्वर उस समय नहीं चल रहा है, और सूर्य स्वर यानी कि राइट साइड से अब हमारा ब्रीदिंग चल रहा है, तो हमें उसको किस तरीके से बदलना है, तो वो भी हमने देखा है बराबर। सो जाना है, जो लेफ्ट साइड का स्वर उसको एक्टिवेट करना है, तो हमें क्या करना है, राइट साइड टर्न होके बस 10 मिनट 15 मिनट तक सो जाना है, लेट जाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगा बराबर। ये एक कार्य हम जो करेंगे जिन पूजा, इस चंद्र स्वर चल रहा हो तब, तो उससे हमारे इसके अनुरूप उत्कृष्ट ऐसे भाव आ सकते हैं बराबर, और इससे हमारा जो भी कार्य है वो भावपूर्वक हो सकता है, उसमें सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फिर जो नए जिनालय हो, नूतन जिनालय का निर्माण करना हो, तो वो भी चंद्र स्वर जब चल रहा हो तभी करना चाहिए। फिर जिन मंदिर का खात मुहूर्त, जैसे कि हमें यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से वो खात मुहूर्त करते हैं, जब नई नई जमीन ली जाती है, फिर उसके अंदर जब स्टार्ट, अभी निर्माण करने से पहले जो स्टार्टिंग का क्रिया होता है, तो उसको खात मुहूर्त कहते हैं। तो उस वो भी वो जो भी करने वाले जो भी भाग्यशाली हों, उनके सबकी जो चंद्र स्वर है वो उदय में होना चाहिए, और ना हो तो उसको उदय में लाना चाहिए, तो ये सब शुभ अच्छे से हो पाए। फिर चौथा है कि जब जिन मंदिर के ऊपर हमने इस तरीके का कोई लाभ लिया हो कि हमें जो शिखर है उसके ऊपर ध्वज दंड वो हमें फरकाना है, जैसे कि एवरी ईयर क्या होता है, ध्वजाएं चेंज होती है ना, ध्वजाएं हमें चढ़ानी है, या फिर ध्वज दंड हमें उसकी स्थापना करनी है, या फिर कलश, तो ये कलश की भी स्थापना जो चढ़ाना हो, उसकी स्थापना करनी हो, तो क्या करना चाहिए, हमारा चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर आगे जब भी हम दानशालाओं का उद्घाटन करने वाले हों, या फिर पौषधशाला यानी कि ऐसी धर्मशाला हो, आराधना भवन हो, या फिर उपाश्रय हो, तो वो सब हमें जो स्टार्ट करना है, उसका उद्घाटन करना है, तब हमें क्या कब करना चाहिए, चंद्र स्वर का उदय हो तब, ये ध्यान रखना है। फिर आगे हमें जो नया घर बनवाना हो, तब भी यही चंद्र स्वर वो ही चलना चाहिए। फिर आगे जब हम जैसे कि 99 यात्रा जो भी करवाने वाले संघपति श्री हो, संघ माताएं हो, तो उनको फिर क्या करते हैं, जैसे कि 99 यात्रा के संपूर्ण उसकी पूर्णाहुति होती है, या फिर छरी पालित संघ होता है, या फिर उपधान तप होता है, इस तरीके के कोई भी बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जो भी करवाते हैं, जो भी लाभ लेते हैं, उनको संघपति कहते हैं और संघ माता कहते हैं। तो जब ये पूरा कार्य जो भी ये अनुष्ठान है उसकी समाप्ति हो जाए, उसके बाद इस तरीके से जो ये माला होती है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये जो संघपति श्री हैं उनके गले में इस तरीके से माला जो पहनाते हैं और जो खुद पहनते हैं, तब उस समय भी ये चंद्र नाड़ी वो ही चलनी चाहिए बराबर, इसका ध्यान रखना है हमें। फिर आगे, और जब जब पहनाने का जब पहले तो वो चंद्र नाड़ी वो उदय में होनी चाहिए, और जब वो माला पहनाने की क्रिया चल रही हो, जब गले में डाल रहे हो, तब क्या होता है कि एक एकदम गहरा श्वास लेना जरूरी है। उस समय जो महाराज साहिब भगवंत गुरु भगवंत वो सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वैसा करना है बराबर। फिर आगे जब भी हमें तीर्थों में दान देना हो, तब भी चंद्र नाड़ी का उदय होना चाहिए। फिर कोई भी नए घर में प्रवेश करना हो,
तब भी चंद्र स्वर उदय में होना चाहिए। फिर समझो कि हमें कोई नए शहर में जाना है, फर्स्ट टाइम हम उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं, बराबर, फर्स्ट टाइम एंट्री करने वाले हैं, तो उसको नगर प्रवेश कहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जब हम नया नए जिनाले का निर्माण करने वाले होते हैं और उस जिनाले के अंदर भगवान की पधरामणी होने वाली होती है, और कोई दूसरे नगर में उनका स्कल्पटिंग किया गया हो, उनका घड़ामण किया गया हो, तो फिर उनको फिर लाया जाता है उस नगर से इस नगर लाया जाता है जहाँ पे जिस जिनाले में उनकी स्थापना होने वाली होती है, तो उसको कहते हैं नगर प्रवेश। तो वो जब हम नगर प्रवेश करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, वहां पे ही सारा का सारा संघ रुक जाता है, गुरु भगवान सहित सब के सब वहां पे रुक जाते हैं, और जो रथ होता है उसके अंदर भगवान भी होते हैं, भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, तो बाहर ही रुक जाते हैं। फिर वो सब गुरु भगवंत, आचार्य गुरु भगवंत वगैरह जो भी मांगलिक कहते हैं, उसके बाद फिर जो भी शुकन वो सब होता है, वो सब करने के बाद क्या करना चाहिए, जब फर्स्ट टाइम नगर प्रवेश कर रहे हो तब क्या करना चाहिए, चंद्र स्वर हमें, हम सभी को एज अ श्री संघ हमें क्या करना चाहिए, ये ताकि ये जो भी कार्य है वो शुभ तरीके से हो जाए, इसका इसके अंदर कोई भी विघ्न ना आए, ये सफलता पूर्वक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा चंद्र स्वर को उदय में लाना है, फिर बाद में नगर प्रवेश करना चाहिए। फिर दूसरा, आगे जब भी कोई प्रकार के कोई भी वस्तुएं हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े हो या गहने हो, तब भी हमें क्या करना चाहिए, चंद्र स्वर का उसको उदय में लाना चाहिए। फिर आगे हमारी व्यवहारिक दुनिया में भी जब हम कोई नए नए कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो, नए नए काम हो, तो उसका हम जब नया काम हम हाथ में लेने वाले हो, तब भी चंद्र स्वर का उदय होना चाहिए, तो वो कार्य सफलतापूर्वक हो सकता है। फिर हमें जो योगाभ्यास की शुरुआत करनी हो, तब भी यही चंद्र स्वर। बाद में कोई भी समझो कि कोई भी नई वस्तु की खरीदारी करनी हो हमें, या फिर बेचनी हो, तब भी चंद्र स्वर वो भी वो ही उदय में होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल हो कि उसको पहली बार हमें मिलने जाना हो, इस प्रकार के कोई भी कार्य हो गवर्नमेंट रिलेटेड, और फर्स्ट टाइम हम जाने वाले हो उनके साथ मीटिंग करने के लिए या बात करने के लिए, अर्जी रखने के लिए, तो फिर चंद्र स्वर वो ही उदय में होना चाहिए। फिर समझो कि हम कोई हमारे जॉब के लिए, या फिर जॉब के लिए हम इंटरव्यू करने के लिए जाने वाले हैं फर्स्ट टाइम ऑफिस में, तो तब भी यही चंद्र स्वर का उदय होना चाहिए, बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर आगे, और समझो कि अभी यहाँ पे तो समझो कि हम जॉब के इंटरव्यू के लिए तो आ तो गए, पर यहाँ पे समझो कि अभी सूर्य स्वर चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सो तो नहीं सकते ना, आपको ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि हम यहाँ पर जो हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, तो अभी चंद्र स्वर को एक्टिवेट करें कैसे, यहाँ पे सो तो नहीं सकते ना, तो फिर क्या करना है, सिंपल है कि समझो कि सूर्य स्वर चल रहा है, तो फिर सूर्य मतलब कि राइट साइड का नॉस्ट्रिल, तो उसको दबा देना है थोड़ी देर के लिए, उसको दबा के रखना है, और जो लेफ्ट साइड का जो है हमारा चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड का नाक का छिद्र है, तो वहीं से श्वासोश्वास लेना और ग्रहण करना और छोड़ना है, वो कुछ देर कुछ मिनट तक हमें ये मिनटों तक ये करना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो चंद्र स्वर है वो एक्टिवेट हो सकता है, बराबर, तो ये हमें कर लेना है। फिर समझो कि हमें कोई नया पोस्ट मिला हो, कोई नया पदवी हमें मिली हो, तो उसके उसमें भी फर्स्ट टाइम जब भी हम बैठने वाले हों, तो फिर यही करना है, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है। फिर अभी कोई भी प्रकार की प्रवाहियां हो, जैसे कि लिक्विड, कोई भी ड्रिंक्स हो, जब भी हम पीने वाले हो, जैसे कि दूध हो या फिर छाछ हो या फिर कोई फ्रूट जूसेस हो, तो वो सारे के सारे जब भी हम पीने वाले हो, तब भी चंद्र स्वर जो चलता हो, तो फिर हमें वो कोई प्रकार के कफ या फिर ऐसी कोई बीमारियां उसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं, बराबर, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे जब भी हम स्टडीज करने वाले हो, तब उस वक्त भी स्टडीज करने के लिए बैठने वाले हो, कुछ भी पढ़ाई करने के लिए, तो तब भी चंद्र स्वर चल रहा हो, तो वो सब क्या करता है, ये सब जो भी कार्य हमने देखे अभी तक, तो ये सारे के सारे कार्यों में सफलता तब प्राप्त हो सकती है जो ये सब कार्य चंद्र स्वर के चलते हुए ये सब कार्य किए जाएं, तो ये सब हमें ध्यान रखना है, बराबर, तो ये सारे के सारे शुभ कार्यों को स्टार्ट करने से पहले
जो नेचुरली समझो कि चंद्र नाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड से चल रहा है श्वासोश्वास, या फिर समझो कि लेफ्ट नासिका में पवन प्रवेश कर रहा है, तो फिर ये इस तरीके का संकेत देता है कि नेचुरली समझो कि नेचुरली लेफ्ट साइड ही हमारा जो चंद्र स्वर वही चल रहा है, तो इसका यही संकेत देता है कि जो भी हम कार्य करने वाले हो ना, तो उसमें तत्काल हमें और निश्चित रूप से हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, और होगी ही, इस तरीके का वो संकेत देता है, बराबर। पर जो समझो कि नेचुरली वो चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, बराबर, और सूर्य स्वर चल रहा है, तो हमने पहले ही देखा कि क्या करना है, कि जो हमने सल्यूशन, शास्त्रकार भगवंतों ने हमें जो सल्यूशन दिया है, तो वही हमें स्वर, वो सल्यूशन को आजमाना है और स्वर बदल देना चाहिए, बराबर। अभी चंद्र स्वर स्टार्ट करना है तो राइट साइड टर्न होके सो जाना है 15 मिनट तक, तो वो चालू हो ही जाएगा, बराबर, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद ही हमें ये सब जो भी श्रेष्ठ प्रकार के जो भी हमने कार्य देखे यहाँ पर, तो वही सारे कार्य उसके बाद ही करने चाहिए, सो दैट हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो सब शांत हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, और वो ये सब कार्यों कार्य करते वक्त हमें श्रेष्ठ भाव आ पाए इजीली। और साथ ही साथ जो भी धार्मिक कार्य हो या फिर अन्य सांसारिक कार्य भी हो, तो उसी सारे के सारे कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति हो पाए, बराबर। तो ये सारे उपाय हमने भगवान ने बताए हैं, तो ये ध्यान रखना है, बराबर। और जब भी जो सांसारिक कार्य हम करने वाले हों, तो उसमें भी हमें पाप करने की बुद्धि नहीं आती है, हमें सद्बुद्धि आ जाती है, बराबर। तो इसमें इसके लिए ये भी सांसारिक कार्यों में भी ये भी ये करने से पहले ही हमने हमें ये सब ध्यान देना है, ये सब वस्तुओं पे। अभी हम आगे देखेंगे कि जब सूर्य स्वर यानी कि राइट साइड का स्वर चल रहा हो, तो उस वक्त कौन कौन से कार्य करने से वे सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं और हमारे लिए लाभकारी भी बन सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। समझो कि हमें कोई विद्या, कोई प्रकार की विद्या सीखनी हो, बराबर, सबसे फर्स्ट टाइम हमें कोई नई विद्या सीखने बैठना हो, तो तब राइट साइड का जो छिद्र है यानी कि नॉस्ट्रिल, वहां से उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, राइट साइड का स्वर वहां से श्वासोश्वास वो चलना चाहिए, बराबर। और जो उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं या फिर सूर्य स्वर, तो सूर्य स्वर जब चल रहा हो, तब हमें दूसरा कौन सा कार्य कर सकते हैं, जब समझो कि कोई इस प्रकार का ऐसा हमारा शत्रु बन गया हो, जिसको जिस जिस व्यक्ति को हमारे ऊपर वैर भाव हो, उसको हम दुश्मन लगते हो, तो उससे जब हमें मिलने जाना हो, बराबर, तब हमें क्या करना चाहिए, सूर्य स्वर जब चल रहा हो तभी उससे मिलना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाएं, ज्यादा और दुश्मनी ना बढ़े, सब शांतिपूर्वक कार्य सफलता सब कार्य समाप्त हो और हमें सफलता की प्राप्ति हो। फिर आगे ये तो हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है, क्योंकि आगे के जो पहले का समय था, उस समय दरमियान सब राजा होते थे, राजा सब युद्ध करने जाते थे, बराबर, उनके जो प्रजा है उनको बचाने के लिए, जो अलग दूसरा कोई म्लेच्छ जाति का कोई राजा जो चढ़ाई कर ले, तो सब क्या होता है, प्रजा को नुकसान हो जाता है, तो उस कारण युद्ध में विजय विजय की प्राप्ति हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती थी, तो उस वजह से यहाँ पे ये है। तो हमारे हमारे लिए तो ये अभी काम का है नहीं, क्योंकि हमें तो युद्ध करने नहीं है, बराबर। तो जब भी राजा पहले के टाइम में जब भी युद्ध करने जाते थे, तब सूर्य स्वर का जब वो एक्टिवेटेड होता था तब जाते थे, सो दैट वो सफलता की उसमें प्राप्ति हो। फिर दूसरा, आगे जब हम स्नान करने वाले हो, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा जो राइट स्वर है वो चल रहा हो, सो दैट फिर जब भी हम स्नान करने वाले हो, उसके बाद क्या होता है, कभी किसी को ठंडी भी लग जाती है, बराबर, तो वो सब प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस कारण सूर्य स्वर चलना चाहिए, और भोजन करते समय भी सूर्य स्वर चलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सो दैट जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो वो भी एकदम प्रॉपरली हो पाए, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इवन फॉर टी कॉफी टू, तो जो हमने कहा कि चंद्र स्वर की जब हमने बात की, तो चंद्र स्वर जब चल रहा हो, तब हमें ज्यादातर ये सारे लिक्विड्स है, बराबर, जो भी प्रवाहियां है, टी कॉफी जो भी है, तो वो सब हमें चंद्र स्वर जब चल रहा हो तब हमें तब पीनी चाहिए। पर भोजन ऐसा लंच जैसा हैवी भोजन करने बैठना हो, तब उस समय
सूर्य स्वर चलना चाहिए ताकि सब डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए, डाइजेशन प्रोसेस बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर आगे समझो कि हमें ये भी राजाओं के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। जब किसी राजा को कोई कोई एक दूसरे नगर पर आक्रमण, कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जाना हो या उसके ऊपर जीत हासिल करनी हो युद्ध के द्वारा, तब भी यही करते थे, सूर्य स्वर को एक्टिवेट करते थे, बाद में सब करते थे। बाद में आगे जब भी हमें कोई इस प्रकार का एक्सरसाइज या जिमिंग या फिर इस तरीके का पावर योगा भी हो, तो ये सब करना हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल ऐसा ये हो, फिजिकल एक्टिविटी हो इस प्रकार, या फिर जॉगिंग हो, ये सब जो हमें करना है, साइकिलिंग हो, ये सब करना है, तब सूर्य स्वर चलना चाहिए बराबर। फिर आगे जब भी हमें मंत्र या कोई भी यंत्र की साधना करने बैठना हो, तब भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर कोई कठिन योग साधना करनी हो कि जिसका जो पोजिस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो ऐसा, इस प्रकार का हाई लेवल का, तो उसके लिए भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर आगे जब भी हमें देवताओं को प्रत्यक्ष बुलाने के लिए कोई मंत्र का स्मरण करना हो, वो तो अभी पॉसिबल नहीं, अभी के काल में कोई हमें देवों का दर्शन तो होने नहीं वाला, ये ध्यान रखना है, बट ये समझ सकते कि पहले के समय के लिए है, पहले का टाइम के लिए, तो ये उस समय भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। आगे जब भी सांप कोई काट ले तो सांप का जहर भी उतारना हो, तब भी सूर्य स्वर जब चल रहा हो तब वो प्रॉपरली वो निकल सकता है बराबर। फिर दूसरा आगे है कि कोई समझो कि हमारे परिवार में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको हमें दवा देनी है, तो वो जो बीमार व्यक्ति है तो उसका भी कौन सा स्वर चलना चाहिए, और हमारा भी मेन तो जो देने वाला हो, तो जो कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको दवा देने वाला है, मेडिसिन देने वाला है, तो जो देने वाला व्यक्ति है उसका सूर्य स्वर चलना चाहिए, वो ध्यान रखना है। अभी बीमार व्यक्तियों के लिए भी आगे शास्त्रकार भगवान ने कहा है, वो किस तरीके से क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, थोड़ा बहुत है वो देखेंगे हम आगे, पर जो देने वाला है उसके लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर आगे जब भी हमें बिजनेस करना हो तब भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर किसी से कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो, तो ये सब करना हो तब भी सूर्य स्वर चलना जरूरी है। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किसी प्रकार की अर्जी करनी हो तब भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर कोई किसी के अंदर कोई व्यंतर देव ने देव के द्वारा कुछ उपद्रव हुआ हो, किसी के शरीर में इस प्रकार के भूत या प्रेत अंदर चले गए हो और उपद्रव कर रहे हो, तो तब भी उसको निकालने का जब जो प्रयास करता हो तो उसको सूर्य स्वर एक्टिवेट करना जरूरी है, तो उसका कार्य सफलतापूर्वक हो पाए बराबर। फिर आगे है कि जब भी दुश्मन पर ये तो देख लिया हमने बराबर। फिर आगे है कि जो हमें किसी और व्यक्ति के कष्टों को दूर करने का उपाय बताना हो, तब भी हमें क्या करना है, सूर्य स्वर को एक्टिवेट करना है। फिर आगे है कि जब भी इस प्रकार समंदर में हमें ट्रैवल करने जाना हो, किसी का कोई भी रीजन हो, बिजनेस या ट्रेडिंग या कुछ भी हो, तभी हमारा जो सूर्य स्वर है वो चलना चाहिए। फिर नदी में उतरने जाना हो तब भी सूर्य स्वर चलना चाहिए बराबर, तो हमारी हम बीमार ना गिर जाएं बराबर, ये सब ध्यान रखना है हमें, डूब भी ना जाएं। आगे है कि जब हमें जो गाय और फिर भैंस ये सब जो हमें खरीदने हो, इनकी खरीदी करनी हो, वो अभी के समय में तो कोई करता नहीं होगा, फार्मर्स एंड ऑल वो लोग के लिए है, तो उस वो टाइम पर भी सूर्य स्वर चलना चाहिए बराबर। अभी दूसरा कोई सिंगिंग सीखना है किसी को, इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कोई विद्या कुछ भी सीखनी हो, सिंगिंग भी एक कला है, तो इस प्रकार की कोई कला जो सीखनी हो तब भी सूर्य स्वर चलना जरूरी है बराबर। तो इस प्रकार के कोई भी कार्य हो कि जिसमें हमें जोश, बहुत ज्यादा जोश की जरूरत है, या पैशन की जरूरत है, एक्साइटमेंट या अग्रेशन की जरूरत हो, या फिर इस प्रकार के कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज वाले कार्य हो, तो फिर उन सारे कार्यों में बिल्कुल भी हमें जो ये निष्फल ना होना हो और विजय की प्राप्ति करनी हो, तो फिर ये सारे कार्यों को हमें कब करना चाहिए, जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब उस वक्त हमें करना चाहिए बराबर। और उस वक्त जो चंद्र स्वर चल रहा हो
तो फिर सूर्य स्वर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिंपल है कि राइट साइड वाले श्वास को स्टार्ट करना है, तो क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड में मुंह करके टर्न करके सो जाना है, बराबर। तो उससे मात्र 15 मिनट्स के अंदर ही सूर्य स्वर यानी कि राइट साइड का स्वर वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद ही ये सारे कार्य करने चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक सजेशन आया है कि देर आर टू मोर वेज टू एक्टिवेट द ब्लॉक नॉस्ट्रिल, पुटिंग कॉटन इन द ईयर विल एक्टिवेट द ऑपोजिट नॉस्ट्रिल। ओके, तो यहाँ पर और एक सजेशन आया है कि जो हम कॉटन हम डाल देंगे, रुई डाल देंगे कान में, तो समझो कि हमने राइट साइड का कान है उसके अंदर हमने रुई डाल दी, तो फिर क्या होगा, और फिर हम लेट जाए थोड़ी देर, तो फिर हमारा जो लेफ्ट साइड का यानी कि जो चंद्र स्वर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बराबर, एंड वाइस वर्सा, ये भी आप प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्वर विज्ञान के बारे में हम जानेंगे जो शास्त्रकार भगवान ने हमें कहा है और जो हमारी लाइफ में काम में बहुत ज्यादा काम में आएगा, बराबर। तो हमारे प्रभु इतने करुणावंत और उदार हैं कि उन्होंने हमें हमारे जीवन में जो भी उपयोगी हो ऐसे बहुत सारी बातें बताई हैं, वो हम सब जानने का प्रयत्न करेंगे, बराबर। जैसे हमने देखा कि हमारे जीवन में जब भी कोई शुभ या अशुभ समय आने वाला हो, तब हमारा जो स्वर है, तो जो स्वर का जो टाइमिंग है, मतलब कि समझो कि चंद्र स्वर कितना समय तक चल रहा है या फिर सूर्य स्वर कितना समय तक चल रहा है, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है कि चंद्र स्वर कितना समय तक चल रहा है, मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड से हमारा श्वासोश्वास कितने मिनटों तक, कितने घंटों तक, कितने दिनों तक चल रहा है, उसको कहते हैं कि कितने देर तक, किस कितने समय तक एक ही स्वर चल रहा है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रोल प्ले करता है, बराबर। तो वो सब हम जानेंगे, बराबर। और जब भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं होने वाली होती है ना हमारे जीवन में, कुछ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो संकेत देता है, ये जो स्वर विज्ञान है ना, जो हम समझ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ हम बहुत चीजों से हम बच सकते हैं, बराबर। तो उसका जो टाइमिंग है ना वो चेंज हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके उसके जो ड्यूरेशन है उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी जब भी समझो कि सूद एकम का दिन हो, बराबर, सूद एकम के दिन पर जो सूर्य स्वर मतलब कि राइट स्वर का उदय होता है, तो उन उन वो जो शुक्ल पक्ष के 15 डेज हैं, तो उसमें हम इस तरीके से ये संकेत देता है कि अभी हमें क्या होने वाला है, गर्मी का विकार उत्पन्न हो सकता है हमारे शरीर में या फिर हानि हो सकती है, बराबर, गर्मी का विकार हो सकता है या गर्मी की हानि या मतलब कि कम हो सकता है, तो ये सब हमें इस प्रकार के संकेत देता है। और जब वद एकम के दिन पर चंद्र स्वर मतलब कि लेफ्ट स्वर चल रहा हो, तो फिर मतलब ये सब सूर्योदय के समय चेक करना है, तो क्या समझ जाना है कि वो जो 15 डेज है, बराबर, तो उसके दरमियान हमें ठंडी और या फिर आलस की अनुभूति होगी, बराबर। फिर आगे जब चंद्र स्वर मतलब कि लेफ्ट साइड का जो स्वर है वो कंटिन्यूअसली 1 आवर 1 आवर एंड 36 मिनट्स तक चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली, तो हमें आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटली कोई भी एक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, बराबर। पर जो यही स्वर लेफ्ट साइड का जो वो 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स तक वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का संकेत देता है। पर जब वो 5 आवर्स एंड 36 मिनट्स तक चलता रहता हो, तब हमें मैत्री की प्राप्ति हो सकती है। पर जब वो कंटिन्यूअसली मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, पर कंटिन्यूअसली फुल 24 आवर्स तक चलता रहे, तो हमें ऐश्वर्य की और वैभव की प्राप्ति होती है, बराबर, ये ध्यान रखना है। तो जो समझो दूसरा पॉइंट है कि जो डे टाइम में मतलब पूरा दिन मतलब सनराइज से लेके सनसेट तक डे टाइम में चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट साइड का स्वर वो ही चल रहा हो पूरा दिन और पूरी रात्रि, मतलब सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक, नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक कंटिन्यूअसली जो सूर्य स्वर चलता रहे, तो हमारा जो हमें हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये एक आइडियल है, मतलब जिसका जिसको कोई बीमारियां नहीं आती हैं, जिसका एक हम कहते हैं ना कि लंबा आयुष्य लंबा लाइफ जीने वाला है, तो इस व्यक्ति का
इस तरीके से चलता है, मतलब दिन में चंद्र स्वर और रात्रि के समय सूर्य स्वर, इस तरीके से रोज हर रोज होता है। एक सुखमय जीवन वो व्यतीत कर सकता है, बीमारियां भी नहीं होती हैं बराबर। और समझो कि नहीं चल रहा हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास तो उपाय भी है ना बराबर। पर सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि जो चंद्र स्वर है लेफ्ट साइड का, वो कंटिन्यूअसली पूरा एक 1 मंथ तक वो चलते नहीं रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली मतलब चेंज होना जरूरी है। सूर्य स्वर भी बीच में चेंज होना चाहिए, जो नहीं हो तो फिर हमें चेंज कर देना है बराबर। पर जब 1 मंथ तक कंटिन्यूअसली हो रहा हो तो हम इस तरीके का संकेत देता है कि कोई धन की हानि हो सकती है हमें बराबर। इस प्रकार के कोई कर्मों का उदय होगा हमारे यहाँ, इस प्रकार का वो संकेत देता है कि हमारी धन का लॉस हो जाएगा कुछ बराबर। फिर आगे जो सूर्य स्वर जो कंटिन्यूअसली 1 आवर 36 मिनट्स तक चलता हो तो कुछ प्रकार का लॉस या गड़बड़ होने का वो संकेत देता है। फिर दूसरा आगे हम पॉइंट, मतलब ये सब देख के हमें क्या पता लग रहा है कि स्वर जो है, जो ये चंद्र स्वर है और सूर्य स्वर है, तो वो जो उसका उसका प्रॉपरली वो रेगुलरिटी जो उसमें ना हो, मतलब कि इररेगुलरिटी हो, तो उसके वजह से हमें रोग हो सकते हैं बराबर। डायरेक्टली हमारे हेल्थ के साथ वो रिलेट करता है और कर्मों के साथ भी बराबर, इस प्रकार का है वो। तो इसलिए हमें स्वर जो है तो उसको बदल कर व्यवस्थित कर देने चाहिए। तो जैसे कि अब किसी को फीवर है, बुखार है, तो हमें क्या करना है, बस इतना सा करना है कि समझो कि जब भी बुखार हो, स्टार्ट हो रहा हो ना किसी को, कोई बीमार मतलब कि फीवर उसको स्टार्ट हुआ हो, तो उसी समय हमें उसका स्वर चेक करना चाहिए उस व्यक्ति का। तो समझो कि उस टाइम पे चंद्र स्वर चल रहा है, जब उसका फीवर स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो स्वर को बदल मतलब उस स्वर को बंद करना है और उसका ऑपोजिट स्वर चालू कर देना चाहिए बराबर। ये ध्यान रखना है। और जो सूर्य स्वर चल रहा हो जब फीवर उसको स्टार्ट हुआ तब, तो उसको बदल देना है बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा आगे जब सरदर्द होता है, हेडेक होता है, तब क्या करना है, जमीन पर सो जाना है, नीचे डायरेक्ट जमीन पे नीचे सो जाना है और दोनों के दोनों जो हाथ है हमारे वो लंबे करके फैला देना है बराबर, ऐसे सो जाना है आराम से। और एक कोई रस्सी ले, दूसरा कोई व्यक्ति हो हमारे घर, तो उसको कहना है कि एक रस्सी लेके आए और हमारे जो दोनों हाथ है, तो दोनों हाथ की जो कोनिया है मतलब कि एल्बोज है, तो एल्बोज से एक उंगली दूर, एल्बोज से एक उंगली दूर उस स्थान पर हमें कस के वो धागा या फिर रस्सी बंधवा देनी है उस व्यक्ति से दोनों हाथों में। तो ये करने से क्या होता है, सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में सर का दर्द अवश्य रूप से ठीक ही हो ही जाता है बराबर। तो फिर 5 to 7 मिनट्स के बाद तुरंत वो रस्सी को भी खोल देना चाहिए, ज्यादा देर तक उसको बांध के नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। पर अभी समझो को कि किसी को आधा शीशी हुई है, मतलब कि अर्ध मस्तक ही दुख रहा है, हाफ साइड ही दुख रहा है, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, सिर्फ अभी समझो कि आधा शीशी में सिर्फ राइट साइड का ही दुख रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ राइट साइड का हाथ है उसके ऊपर जो कोनी है उसे 1 अंगुल दूर एक रस्सी बांध देनी है, बंधवा देनी है किसी से, तो फिर वो ठीक हो जाएगा बराबर। फिर आगे हम देखेंगे कि समझो कि किसी को हमेशा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, मतलब कि अपचा हो बराबर, प्रॉपरली खाना पचता ना हो, डाइजेस्ट नहीं होता हो, उसका पाचन ना होता हो बराबर, इस प्रकार का प्रॉब्लम उसको रहता है, तो उससे हमेशा क्या करना चाहिए, जो राइट स्वर है, राइट साइड का स्वर है मतलब सूर्य स्वर, जब वो चलता हो तब ही भोजन उसे करना चाहिए, खास ध्यान रखना है बराबर। जब भी भोजन करने बैठना हो हम सभी को, राइट जो स्वर है तब जब वो चल रहा हो तब ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। और भोजन समाप्ति के बाद क्या करना है, 15 to 20 मिनट्स तक वो लेफ्ट टर्न लेके सो जाएगा, तो उसको फायदा होगा बराबर। और किसी को जो बहुत ज्यादा बहुत सालों का पुराना इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, तो उसे क्या करना है, और बहुत टाइम तक वो बहुत टाइम से वो ठीक ही नहीं हुआ हो, तो क्या करना है, उसे हमेशा हर दिन सिर्फ 10 या 10-15 मिनट तक उसे पद्मासन मुद्रा में बैठ जाना है इस तरीके से। और क्या करना है, पद्मासन मुद्रा में बैठने के बाद जो नाभि का
एरिया है तो नाभि के ऊपर उसको दृष्टि को स्थिर रखना है, वहां पे उसको देखना है। तो ये उससे उस व्यक्ति को जो ये व्यक्ति जो रोज हर रोज ये करेगा तो उसको 1 वीक में ही उसको पॉजिटिव असर दिखने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बराबर डाइजेशन एंड ऑल प्रॉपर हो जाएगा उसका। तो ये ध्यान रखना है बराबर। दूसरा आगे क्या है कि जब भी दांतों में दर्द हो या फिर दांत हिल रहे हो तब क्या करना चाहिए, जब हमें शौच क्रिया करने जाना हो तो उस समय हमें क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ हमारे जो दांत है तो दांतों के ऊपर जो नीचे के दांत है उसके ऊपर ऊपर के दांतों को जोर से दबा देना है, दबा के रखना है, बस इतना सा करना है तो उससे सारे के सारे जो दांतों के दर्द है वो होने बंद हो जाते हैं बराबर। और हिल दांत हिल भी रहे हो लूज हो तो वो भी प्रॉपर हो जाते हैं, गम्स फिर प्रॉपर हो जाते हैं बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है कि जब छाती या फिर पीठ दर्द हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, वो सब जब भी होता है प्रॉब्लम, तब उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त जो भी स्वर चल रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसका जो ऑपोजिट स्वर है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उससे अवश्य फायदा होता है बराबर, दर्द में रिलीफ हो जाता है बराबर। अभी दूसरा पॉइंट है कि जब हम काम कर लें, कुछ भी काम, बहुत ज्यादा हम काम करते हैं उसके बाद हमें थकान लग जाता है ना, तो उस थकान को दूर करने के लिए, या फिर समझो कि हम धूप में गए हों तो धूप में से हम जाकर वापस घर पर आए तब हमें गर्मी लग रही होती है ना, उस वक्त बहुत ज्यादा पसीने होते हैं, गर्मी लग जाती है, तो उसको शांत करने के लिए क्या उपाय है, हमें थोड़ी देर सो जाना है और हमारा जो चंद्र स्वर है तो उसको जागृत कर देना है, तो उससे क्या होगा तुरंत ही थोड़ी देर में ही पूरा पूरा का पूरा जो थकान है वो चली जाएगी और जो गर्मी लगी है वो भी शांत हो जाएगा, पूरा टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे दूसरा, जब भी हम कोई हमारे हमें इस प्रकार का रोग हुआ हो जो ठंडा रोग हो बराबर, तो ठंडा रोग की दवा जो हमें लेनी हो तो उसे सूर्य स्वर में लेना चाहिए, और गर्म रोग की दवा हमें चंद्र स्वर में लेनी चाहिए, तो उससे वो रोग ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं बराबर। तो ये सब हमने हम थोड़ी सी बेसिक वस्तुएं हमें जान हमें यहाँ पे आज जानी है। स्वर शास्त्र वैसे तो बहुत ज्यादा गहरा और एक सचोट शास्त्र है, उसे जो जो समझ जाए तो उसको बहुत कुछ समझ में आ जाए, इस प्रकार का वो एक गहरा शास्त्र है बराबर। पर उसमें हमें अभी डीप में नहीं जाना है, बस हमें थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक ऊपर से टच कर लिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ जो भी कार्य हो तो वो सफलतापूर्वक किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो सब हमने थोड़ा सा देख लिया है। बट हमें जो इसका बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज ना हो फिर भी हम ज्यादा इसमें डीप में जाएं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है बराबर, क्योंकि वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए हम पूरा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बराबर। ओके, तो हमने इतना सा देख लिया, अभी हम आगे क्या करेंगे बराबर। इतना सा हमारा जो डेली रूटीन स्केड्यूल है सुबह से, हमने 5th पॉइंट तक हमने सारा का सारा देख लिया है, अब हम 6th पॉइंट है, नहीं उससे पहले हम शौच क्रिया जो करनी हो तो वो कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने से पहले हमें क्या करना है, मतलब हमने शौच क्रिया सब कर ली, ये सब सारी क्रियाएं कर ली, अब हम घर में सीधा के सीधा किचन में जाएंगे, कुछ कुछ प्रवृत्तियां करेंगे, या फिर पीसी है तो वो चालू करके काम करने बैठ जाएंगे, या फिर घूमेंगे फिरेंगे घर पे, तो ये सारी कोई प्रवृत्तियां हमें नहीं करनी है। बट सबसे पहले घर में यहाँ वहां घूमने से पहले हमें क्या करना है, झाड़ू लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसका भी रीजन है, संपूर्ण रात्रि के समय में कई सारे ऐसे छोटे छोटे जीव बाहर आते हैं जो छुपे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं और फिर वो बाहर आते हैं बराबर, और फिर हमारी प्रवृत्तियों के कारण बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की मृत्यु हो जाती है रात्रि के समय में, और उसके कारण उनका जो मृत्यु हो जाती है फिर उनका मृत शरीर रह जाता है ना जमीन पर, पड़े होते हैं उनके बहुत सारे मृत शरीर बराबर, या फिर कई नए नए छोटे जीवों की उत्पत्ति होती है रात्रि के समय में, जब सूर्य का ताप नहीं होता है ना, सूर्य की गर्मी इतने प्रमाण में नहीं होती है, तब फेवरेबल क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशन लगता है इन छोटे जीवों को, तो बहुत सारे नए नए बॉर्न होते हैं,
बराबर, उनको ये अच्छा रात्रि का समय बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो इस कारण नए नए छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति भी होती है। तो वो सारे जीव, उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो सारे के सारे वो जमीन पर पड़े रहते हैं, या फिर फर्नीचर पर पड़े होते हैं, या फिर वो जिंदा भी होते हैं। तब यदि हम उसके ऊपर ऐसे ही चलने लग जाएंगे, जिंदा छोटे छोटे जीवों पर, या फिर बैठने लगेंगे कहीं भी, सोफा पे, इधर उधर चेयर्स पे, या फिर किसी प्रकार की प्रवृत्तियां ऐसी स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्या होता है, कई सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है, सबका सबको हमारे पैरों तले कुचल जाने का पाप, हिंसा का पाप हमें लगता है। बराबर, जीवों के हिंसा का बहुत ज्यादा पाप लगता है। इस कारण हमें सबसे पहले झैणा के साथ हमें झाड़ू निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव टू स्वीप आर फ्लोर, सबसे पहले ये ही करना जरूरी है। इसको झैणा का एक ये सबसे महत्व अंग है, घर पे झाड़ू निकालना। बराबर, और झैणा का अर्थ क्या है कि सावधानी के साथ, इस प्रकार के सावधानी के साथ झाड़ू निकालना कि, या फिर कोई प्रवृत्ति करना कि जिस कारण कोई भी जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए, उसको झैणा कहते हैं। झैणा के अंदर करुणा, दया भाव कुट कुट के भरी हुई होती है। तो और दूसरी बात, श्रावक की माता को झैणा कहते हैं, जो हमें हमें जो सच्चा श्रावक, सच्ची श्रावी का जो बनना हो, तो झैणा जो है उसको हमें हमारी माता के स्वरूप में स्वीकारना पड़ेगा ही, कंपलसरी है। बराबर, झैणा के बिना श्रावक या श्राविका का जन्म नहीं हो पाता है। बराबर, झैणा होगी तो जो स्त्री है, वो स्त्री है, उसको हम श्राविका कह पाएंगे, और झैणा के साथ जो प्रवृत्तियां करेगा एक पुरुष, तो ही उसको श्रावक कहलाया जाएगा, क्योंकि झैणा ही श्रावक श्राविका की माता होती है, ये खास ध्यान रखना है। बराबर, तो झैणा का हमने अर्थ देखा कि सावधानी, इस प्रकार की सावधानी से कुछ भी ये सब प्रवृत्तियां करना कि जिस कारण कोई भी जीव मर ना जाए, जीव रक्षा करना है हमें। बराबर, हमारे भाव भी इसी प्रकार के होने चाहिए कि मुझे जीवों की रक्षा करनी है, और उसके बाद ही हमें, जब भी हम झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद ही हमें बाद में पोता लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। बट कितने सारे जन क्या करते हैं, कितने सारे घरों में क्या होता है आज के टाइम में, कि उनके घर पे मेड आती है। बराबर, जो सफाई का काम करने के लिए हमारे घरों में मेड, हम मेड को बुलाते हैं ना। बराबर, तो सभी क्या करते, बहुत जन कि सुबह को उठ के ये सब झैणा का काम, यानी कि झाड़ू निकालना करते ही नहीं है, ये सब कार्य मेन जो करना चाहिए वो करते ही नहीं, और सीधे सब अलग अलग प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, यहाँ वहां चलना फिरना चालू होता है। तो उस कारण क्या होता है, और वेट करते रहते कि नहीं, मेड आएगी तो ही बार, और वो खुद ही झाड़ू निकालेगी, पोता लगाएगी, मैं तो ये सब नहीं करूंगी, मैं तो ये नहीं करूंगा। इस प्रकार के बहुत सारे जन का ये सब इस प्रकार का थिंकिंग रहता है, तो ये बहुत ज्यादा गलत कार्य है। झाड़ू पोता ये सब क्या है, किसी और से करवाना जरूरी है, और हम क्यों नहीं कर सकते, क्या ये कोई छोटा काम है? ये बिल्कुल भी एक छोटा काम नहीं है। और जो भी मेड है, वो जो भी है सफाई करने वाले, वो आएंगे 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, तो तब तक क्या, तब तक हम प्रवृत्तियां करेंगे और इतने सारे जीवों की हिंसा होती जाएगी, तो वो सबका पाप तो हमें लगने वाला है ना। इसके लिए हमें सुबह को कभी भी, ये खास हमें सभी को ये सब अब से स्टार्ट करना है कि हमें किसी भी मेड का, किसी भी काम, जो भी सफाई का काम करने के लिए आते हो हमारे घर, उनका वेट नहीं करना है। हमें खुद ही, जो भी सबसे पहले उठे घर में, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, या फिर कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी हो, ये ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले, ये जो मेड है उसका ही कार्य है, ऐसा नहीं है। जो भी सबसे पहले उठ के, जिसको भी घर में घूमना है यहाँ से वहां, उसको सबसे पहले क्या करना जरूरी है, चाहे श्रावक हो या श्राविका हो, ये झैणा का काम सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ये झाड़ू निकालना जरूरी है। बराबर, उसके बाद ही रसोई वगैरह दूसरे काम करने हैं, ये खास ध्यान रखना है हमें। बराबर, ये झाड़ू निकालना, ये झैणा का और जीव रक्षा का एक उत्तम काम है। इससे हमारे जो आत्मिक, आत्मा के जो दया गुण है ना,
और अहिंसा का जो गुण है तो उसकी वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना है बराबर। इससे हमें छोटा काम बिल्कुल नहीं समझना चाहिए बराबर, ये ध्यान रखना है। ये एक जीव रक्षा का और अभयदान करने का एक उत्तम कार्य है, जो हमें खुद के हाथ से जो भी कर रहे हैं उसको इतने सारे पाप कर्मों का क्षय होगा, नाश होगा बराबर, ये खास ध्यान रखना है। और बाद में, और दूसरी एक बात ये भी है कि जो साधु साध्वी जी भगवंत है हमारे, तो वो भी तो क्या करते हैं उपाश्रम में, सबसे पहले तो यही कार्य करते हैं, तो वो तो हमारे हमारे से पद में तो कितने ज्यादा बड़े हैं, फिर भी वे कर सकते हैं खुद के हाथ से ही, तो फिर क्या हमें नहीं करना चाहिए? वो दंडासन का उपयोग करके ये सब करते हैं, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए खुद के हाथों से? बराबर, ये ध्यान रखना है। और फिर झाड़ू निकालने के बाद जो भी कूड़ा जो जमा होता है उसके अंदर कोई भी समझो कि मच्छर या फिर कोई भी स्पाइडर या चींटी कोई दिख जाए जो मृत हो, जो मर मर गया हो, तो हमें क्या करना चाहिए? और वो क्या, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोई मच्छर या फिर कोई भी छोटा जीव जो मरा हुआ निकले उस कूड़े में, तो उसका यही मतलब होता है कि हमारे कारण उसकी मृत्यु हुई है बराबर। हमारा हाथ पैर लग गया होगा, कुचल गया होगा, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया होगा इस कारण, हम वो भी हमारे परिवार के कोई भी सभ्यों के कारण हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो पापों का एक कन्फेशन बुक बनना बनाना है, खास से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, एक बुक, आप जैसे आपकी डायरी रखते हो ना, जैसे मैं आपके अकाउंट्स लिखते हो, मंथली खर्च एंड ऑल एक्सपेंसेस का बुक बनाते हो, वो तो पैसों का है, पैसा आज है कल नहीं है बराबर, आज है कल नहीं है, परसों आ जाएगा, पर क्या पता वापस कभी ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो पैसों के लिए जो आप बुक ऐसे बना सकते हो, तो और वो भी पैसों के लिए, जो एक शाश्वत पदार्थ भी नहीं है, जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली रहने वाला है, ऐसा कोई उसका एक ऐसा फिक्स्ड भी नहीं है बराबर, तो उसका बुक बना सकते हो। तो एक पापों का कन्फेशन बुक क्यों आपको बनाना नहीं चाहिए, वो कितना जरूरी है। इस प्रकार का हर एक को, आप हर एक को क्या करना है, एक ऐसा डायरी मेंटेन करनी है कि जिसके अंदर आपके जो भी पाप आपसे हो जाएं, पूरे दिन भर में कुछ भी पाप हो जाए, उसका आपको कन्फेशन लिखना है, मतलब कि लिखना है कि मेरे से यह पाप हो गया, और उस पाप करते दौरान मेरे आत्मा में किस प्रकार के भाव चल रहे थे, वो भी लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है बराबर। इस सारा का सारा नोट डाउन करना है बराबर। तो हमें ये चीज हमारे से जो भी इस प्रकार का मृत क्लेवर जो दिख जाए कूड़े में, तो हमें क्या करना है कि लिख देना है, नोट डाउन करना चाहिए कि सफाई करते वक्त एक मृत मच्छर का शरीर मिला। फिर बाद में जाके जब भी आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, जब भी आपको टाइम हो, आफ्टर एवरी मंथ या फिर कुछ दिन बाद, जो भी गीतार्थ गुरु भगवंत हो तो उनके पास, यानी कि सिंपल हमारे जो आचार्य भगवंत हो उनके पास जाके हमें उनसे आलोचना लेनी चाहिए। मतलब क्या, हमने जो भी पाप का, जो हमारा जो पाप का कन्फेशन का बुक है ना, डायरी, उनको सबमिट कर देना है, तो वो सारे पढ़ेंगे बराबर कि हमने कौन से पाप, और वो पाप करते समय हमारे कैसे प्रकार के भाव चल रहे थे, वो सारे हम वो पढ़ेंगे, और फिर उसके अनुसार हमें क्या देंगे, उस अनुसार हमें छोटा मोटा एक जो भी हमारे से पाप हो गया ना, तो उस पाप से शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाए, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाए, तो उसका उपाय बताएंगे बराबर। तो हमें कोई छोटा सा तप त्याग करने बोलेंगे, या फिर सामयिक बोलेंगे करने की, बस कुछ सामयिक करने हैं आपको, या फिर स्वाध्याय, कुछ आर्स का स्वाध्याय, या फिर धार्मिक पुस्तक का वाचन, या फिर प्रभु पूजा, या फिर अष्टप्रकारी पूजा, इतना सिंपल सा हमें एक उपाय बताएंगे। जो आप इतना कर लोगे तो क्या होगा, जो हिंसा का पाप हो या फिर कोई भी पाप हो, तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है बराबर। तो प्रायश्चित के भावना से हमें वो सब हमें करना है बराबर, ये ध्यान रखना है। हम अन्य धर्मों में भी हमने सुना होगा कि उनके जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके पास वे जाते हैं और क्या करते हैं, जो भी उनके द्वारा पाप हुए हो उनका कन्फेशन करते हैं बराबर। तो हमारे जैन धर्म में भी इस प्रकार का एक है कि कुछ भी पाप हो जाए तो आपको क्या करना है, गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत है, उनके पास जाना है
और उनको बस कह देना कि मेरे से गुरु भगवंत, मेरे से इस प्रकार का पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो वो बस उपाय बताएंगे कि किस तरीके से शुद्धिकरण किया जा सकता है, पापों से किस तरीके से बचा जा सकता है। इतना अच्छा हमारा जिन शासन है बराबर, तो ये सब हमें ध्यान रखना है बराबर। तो हमने ये देखा कि हमारे शास्त्रों में जिन शासन में हर एक चीज बताई गई है कि कैसे करनी चाहिए, कि जिससे हमें भले ही गृहस्थ जीवन में हम क्यों ना जी रहे हो, हम सिंपल एक झाड़ू भी क्यों ना निकाल रहे हो, पर फिर भी वो किस प्रकार के भावों से हमें झाड़ू भी निकालना है, फिर उसमें जीव दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए बराबर। हमें पाप कम से कम लगे और जो भी पाप लग जाए उससे बचे भी किस तरीके से, वो सब उस सबका उपाय हमें बताया है भगवान ने। और छोटे से छोटे जीव की भी हमें किस तरीके से रक्षा करनी है, तो वो सब हमें बताया है, जिससे हम नर से श्रावक और नारी से श्राविका बन पाए, ये सब बताया है। तो ये सब हम जानेंगे। अब ये हमारा हो गया, नेक्स्ट अभी क्या करना है, स्टेप आगे का स्टेप है, अभी हमें क्या करना है, राई प्रतिक्रमण करने बैठना है बराबर। तो हम अभी इसके बारे में जानेंगे, और उसके लिए भी हमें क्या करना है, जो धोए हुए शुद्ध वस्त्र है वो हमें पहनने हैं। कैसे, जो धोए हुए हो शुद्ध वस्त्र हो, यानी कि उसके अंदर वो पहन के हम वॉशरूम हमें नहीं जाना है बराबर, जो भी शौच क्रिया है वो सब हमें ये कपड़े पहन के नहीं करनी है। तो इस प्रकार के जो धोए हुए शुद्ध कपड़े हुए हैं तो उनको हमें पहनना है। वो भी पहनने से पहले क्या करना है, पहनने से पहले हमें आंखों के द्वारा हमें बराबर चेक करना है कि उनके अंदर चींटी या फिर कोई जीव तो नहीं है बराबर। ये हमें, इसको कहते हैं दृष्टि परिलेहण, कहते हैं क्या कहते हैं, दृष्टि परिलेहण। तो ये जो हमारे गुरु भगवंत होते हैं ना, साधु साध्वी जी भगवंत, वो तो दृष्टि परिलेहण मतलब कि आंखों से चेक करना कि कोई जीव, छोटे जीव जंतु तो है नहीं ना। तो वो सब दिन में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, 2 टाइम्स ट्वाइस अ डे हर रोज करते हैं। तो हमें भी यही करना है, हम जो भी श्रावक श्राविका है हमारे लिए भी यही कर हमें भी यही करना है। जो भी हम कोई भी प्रकार का वस्तु वस्त्र का उपयोग करने वाले हों, उससे पहले हमें दृष्टि परिलेहण करना है, मतलब कि आंखों से हमें एक बार चेक करना है कि कोई जीव जंतु तो नहीं है बराबर। इस प्रकार का हमें जीव दया का, अहिंसा का पालन करना है, जीव रक्षा करनी है, अभय दान देना है बराबर। फिर ये कपड़े हमें पहन लेने हैं, ये ध्यान रखना है, ये कपड़े पहनने के बाद हमें इन्हीं कपड़ों में शौच क्रिया नहीं करनी है, ये खास ध्यान रखना है बराबर। क्योंकि अब हम राई प्रतिक्रमण करने बैठने वाले हैं, और राई प्रतिक्रमण करने के लिए क्या करना है, जो इसको कहते हैं सामयिक के वस्त्र। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो पुरुष है तो पुरुषों को धोती और खेस पहनना आवश्यक है, कंपल्सरी है। और जो स्त्री हैं, लेडीज हैं, तो वे साड़ी या फिर ड्रेस पहन सकती हैं, बस उनको जो मस्तक है उसके ऊपर ओढ़ना है, बस उतना सा करना है। और पुरुषों को धोती खेस पहनना आवश्यक है, सादे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जो सिले हुए वस्त्र हो वो नहीं पहनने हैं बराबर। ये जो वस्त्र हैं उनको सामयिक वस्त्र अभी हम कहेंगे, ये ध्यान रखना है। अब ये राई प्रतिक्रमण है क्या, ये हम समझेंगे, और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि राई प्रतिक्रमण करने के लिए हमें सामयिक लेना पड़ेगा। तो पहले हम सामयिक के बारे में समझेंगे बराबर। जो सामयिक है उसकी क्रिया कैसे करनी है, सामयिक के अंदर विधियां कौन सी आती है, कौन से सूत्र आते हैं, सूत्रों का अर्थ क्या है, उनका रहस्य क्या है, क्यों ये सब सूत्र हमें कहने हैं, वो सारा हम उसके अंदर की गहराइयां तक जाएंगे, गहराइयों तक जाएंगे बराबर। तो भी ये राई प्रतिक्रमण जो है तो वो क्या है, राई मतलब कि रात्रि, और प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण मतलब कि क्या है, मतलब कि पापों से वापसी करना, या फिर रात्रि के समय हमसे जो भी पाप हो गए हों तो वे सारे पापों की क्षमापना हमें मांगनी है, इस राई प्रतिक्रमण के इसके इसका आलंबन लेके हमें यही करना है कि क्षमापना लेनी है और उन पापों से हट जाना है, वापस मतलब पापों से वापसी को ही कहते हैं प्रतिक्रमण करना। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो, तुम इच्छामि दुग्धं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेति शासनं प्रणाम।